हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट मूंग दाल का हलवा, जो सबको पसंद आती है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैंने एक कटोरी मूंग दाल, मैंने इसको भीगा धो के भिगा लिया था। एक कटोरी मैंने वो ड्राई फ्रूट लिया है, थोड़ी सी क्रश करके छोटी इलायची, एक कटोरी घी। मैं चीनी का प्रयोग कम करती हूँ, मैंने इसलिए खांड लिया है एक कटोरी। आधा लीटर मैंने दूध लिया है। तो गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। मैं इसकी दाल की नमी निकालने के लिए मैं इसको 2 मिनट के लिए भूनूंगी। ये गर्म हो जाएगा फिर मैं इसको पीसूंगी। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, मैं ये धुली हुई मूंग दाल इसमें डालूंगी। मैंने इसको ज्यादा देर नहीं भुगोया था, बस 5 मिनट के लिए धो के भिगा लिया था मैंने। अब इसको 5-10 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसकी सारी नमी निकल जाए, उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। गैस दाल हमारा गर्म हो गया है, इसमें सारी नमी निकल गई है। देख लीजिए ऐसा हो गया, अलग अलग हो रही है। अब इसको मैं मिक्सर में पीसूंगी। इसको 2 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसको मैं तो गाइस जैसा कि देख सकते हो, मैंने इसको ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला बीच का रखा है। इसको देखो ऐसा टेक्सचर आना चाहिए इस पर। अब हम इसमें कढ़ाई में घी डालेंगे। मैं 2 चम्मच घी बचा लूंगी, इसको लास्ट में डालेंगे। हो चुका है, मैं इसमें पाउडर डाल दूंगी। अब इसको मीडियम आंच में इसको भूनेंगे। गाय जिसको जब तक भूनना, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। इसने अपना कलर थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू कर दिया। 1 मिनट के लिए इसको और भूनेंगे, उसके बाद इस स्टेज पे मैं इसमें दूध डालूंगी। अब मैं इसमें 1/2 लीटर दूध डाल रही हूँ। गैस को धीमा रखेंगे। इसमें दूध डालने से इसमें मावे जैसा टेक्सचर आ जाएगा। अब इसको कंटिन्यू चला। गैस हमारा दूध सारा इसमें सूख गया है। अब इसको 2-3 मिनट के लिए आप भूनेंगे, उसके बाद मैं इसमें खांड डालूंगा। ये अपना घी छोड़ रहा है, तो स्टेज पे इसको और भूनना है 2-3 मिनट। गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, इसने कलर चेंज कर दिया और घी भी छोड़ दिया है, सारा दूध इसने अब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें खांड डालूंगी। एक कटोरी देसी खांड ली है मैंने। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। अब इसको भी लगातार चलाएंगे। मैंने इलायची जो क्रश करके रखी थी मैं डाल दूंगी इसमें। गैस हमारा हलवा, आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है। हमारा हलवा बनके तैयार है। अब मैं ड्राई फ्रूट रोस्ट करूंगी। गैस को बंद कर देते हैं, इसको गर्म होने देते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें ड्राई फ्रूट रोस्ट करने से इसमें क्रंची सा फ्लेवर आ जाता है। आपको हमारा ये हलवा कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में हमें अपने अनुभव बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। गैस आप होली तो अभी नज़दीक आ रही है, सो आप अपने गेस्ट को भी बना के ये हलवा आप खिला सकते हैं और अपनी तारीफें लूट सकते हैं। ड्राई फ्रूट हमारे भून चुके हैं, अब मैं इसमें इसको डालूंगी। गैस को बंद करेंगे। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा गर्मा गर्म इंस्टेंट मूंग दाल का हलवा तैयार है। ये काफी टेस्टी है। आज आपसे मिलते हैं फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।